आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में एज ए लाइव टीवी कैसे देख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर, बहुत सारी वेबसाइट है जिसके जरिए बहुत ही आसानी से आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में लाइव टीवी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में लाइव टीवी देख सकते हैं। सबसे पहला जो है एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है यप टीवी, और दूसरा जो है एक वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है yaptv.in। जो सॉफ्टवेयर yaptv का जो सॉफ्टवेयर था उस सॉफ्टवेयर का ऑफिशियल वेबसाइट है yaptv.in, जिसके जरिए आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में लाइव टीवी देख सकते हैं। और तीसरा जो है यूट्यूब के जरिए, जी हाँ यूट्यूब में भी आप लाइव टीवी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज 8 या फिर विंडोज 8.1 प्रो यूज कर रहे हैं तो तरीका लगभग एक ही है। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये यपटीवी का जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर विंडोज 7 में काम नहीं करेगा। अगर आप विंडोज 7 में लाइव टीवी देखना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है yaptv.in, इस पे जाकर आप लाइव टीवी देख सकते हैं और यूट्यूब से भी आप लाइव टीवी देख सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अब्दुल गनी और आप देख रहे हैं WH सॉल्यूशन। सबसे पहले आप अपने विंडोज 10 में जो स्टोर दी जाती है उसका आप ओपन कर लीजिए। ये देखिए स्टोर ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सर्च बार दी गई है, वहां पर आप टाइप कीजिए yaptv। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऐप्स आ गया है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए yaptv का जो ऐप है ये ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं इसका जो रेटिंग एंड रिव्यूज है ये 4.0 है। और ये जो ऐप्स है ये ऐप्स पेड वर्जन ऐप्स है, इसको खरीदना पड़ता है आपको। 15 दिन के लिए आपको ट्रायल वर्जन मिलता है। फिलहाल मैं इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ हूँ, इसीलिए इसको मैं ओपन कर देती हूँ। अगर आप इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर इंस्टॉल बटन आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके अभी इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन मैं इसको ओपन कर देती हूँ। ये देखिए ओपन पर क्लिक किया, ये देखिए ये जो yaptv का जो ऐप है ये ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है, ये लाइव टीवी दी गई है, मूवीज दी गई है, कैचअप टीवी दी गई है, माय प्रोफाइल दी गई है, ऑफर्स दी गई है। सबसे पहले माय प्रोफाइल पर देख लेते हूँ कि माय प्रोफाइल में क्या क्या है। ये देखिए फ्री ट्रायल, ये 15 दिन के ट्रायल वर्जन है, इसका जो वर्जन है 1.0.3.0। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज लैंग्वेज पर क्लिक करके भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं देख लेती हूँ और क्या क्या है। उसके बाद ऑफर्स की बात कर लेते हैं, ऑफर्स पर क्लिक करके देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि नो ऑफर्स। उसके बाद लाइव टीवी पर देख लेती हूँ कि लाइव टीवी में क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉपुलर चैनल है, जैसे कि सोनी इंटरटेनमेंट, कलर्स, बहुत सारे, आप कोई भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जेनरेस, उस पर क्लिक करके देख लेती हूँ क्या क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चैनल है ये कैटेगरीज में आ गया है। उसके बाद है पॉपुलर में देख लेती हूँ कि क्या क्या है। देखिए पॉपुलर चैनल जो है, जितने सारे पॉपुलर चैनल है यहाँ पे आ गया है। उसके बाद पैकेज, इसका जो पैकेज है ये क्या, किसका कितना पैकेज में कितना मिलता है, ये देखिए यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में आप चैनल लेना चाहते हैं। फिलहाल मैं हिंदी किया हुआ हूँ, अगर आप तमिल लेना चाहते हैं, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा, मराठी, इंग्लिश, कोई भी। उसके बाद कर लेते हैं, मैं हिंदी चूज कर लेती हूँ। ये देखिए हिंदी पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पैकेज की प्राइस दी गई है, जैसे कि 200 चैनल्स के लिए 5 रुपीज पे करने पड़ेंगे पर डे, और उसके बाद है 200 चैनल्स 30 रुपीज 7 डेज एंड 200 चैनल्स 99 रुपीज 30 डेज। 7 डेज था, ये 30 डेज है, तब कोई भी यहाँ से पैकेज ले सकते हैं। फिलहाल मेरा ट्रायल वर्जन है, मैं देख लेती हूँ ये कैसे काम कर रहा है। चलिए लाइव टीवी पर फिर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैं चैनल को प्ले करके देख लेती हूँ, जैसे कि मेरा फेवरेट चैनल है सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन, मैं इसको प्ले करके देख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मेरा 14 डेज का ट्रायल वर्जन है, तो आप
मैं इसको कंटिन्यू फ्री ट्रायल पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए ट्रायल पर क्लिक किया, ये जो चैनल है ये लोडिंग हो रहा है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये लोडिंग नहीं होगा। ये देखिए ये जो सोनी इंटरटेनमेंट चैनल है ये प्ले हो रहा है, आप लाइव देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैनल है, मेरे ख्याल से इससे बेस्ट एप्स नहीं है। ये था एक ऐप्स के बारे में। और दूसरी बात जो है एक वेबसाइट के बारे में आपको बताया था। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसके बाद यूआरएल बार में टाइप कीजिए yaptv.in, उसके बाद इसको ओपन कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा चैनल है, ये जो yaptv का जो सॉफ्टवेयर है उसका ही ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहें तो इसको विंडोज 7 में भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए yaptv का जो वेबसाइट है ये ओपन हो गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका मेन्यूवर, इसका जो कैटेगरीज है वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं मेन्यूवर में दी गई है होम दी गई है, लाइव टीवी दी गई है, कैचअप दी गई है, यहाँ पर चैनल्स, टीवी शोज, मूवीज, न्यूज़ दी गई है, मूवीज दी गई है, टीवी शोज दी गई है, डिवाइस, प्राइसिंग और भी कुछ दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्लैप चैनल, यहाँ पे जैसे ही आप माउस लेकर जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मेरा हिंदी किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, मराठी, बहुत सारे है। आप कोई भी चैनल को चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं सोनी इंटरटेनमेंट को चूज कर लेती हूँ। ये देखिए क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए एक प्ले बटन आ गया है, उसके ऊपर देखिए लोडिंग हो रहा है। इसका मतलब ये जो चैनल है ये काम कर रहा है, चल रहा है। ये देखिए ये जो सोनी इंटरटेनमेंट है ये लाइव चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन बटन के एक लाइव लिखा हुआ है, इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं ये लाइव है क्या नहीं। तीसरा जो है यूट्यूब के जरिए, तो चलिए देख लेते हैं कि यूट्यूब से कैसे लाइव टीवी दिखा जाता है। तो आप अपने ब्राउजर पे न्यू टैब क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद यूआरएल बार में टाइप कीजिए youtube.com, उसके बाद उसको ओपन कर दीजिए। यह देखिए यूट्यूब ओपन हो गया है। उसके बाद यूट्यूब का जो सर्च बार है उसके ऊपर टाइप कीजिए जो भी चैनल आप देखना चाहते हैं, उस चैनल का नाम आप यूट्यूब के ऊपर लिख दीजिए। यूट्यूब के ऊपर सब चैनल लाइव नहीं है, कुछ कुछ चैनल है, जैसे कि न्यूज़ चैनल जो है सिर्फ वही चैनल आप लाइव देख सकते हैं। फिलहाल मैं न्यूज़ चैनल का नाम लिख देती हूँ, आज तक बहुत ही अच्छा चैनल है न्यूज़ के ऊपर, कह जाती है कि न्यूज़ में सबसे फास्ट है, उसके ऊपर लाइव आज तक लाइव लिख दीजिए एंड देन सर्च कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज तक का जो लाइव है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड बटन की लाइव नाउ ऑप्शन दी गई है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही क्लिक किया ये जो आज तक का जो लाइव चैनल है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है, प्ले हो रहा है। ये देखिए लाइव प्ले हो रहा है और राइट साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉमेंट दी गई है, चाहे तो आप भी कुछ कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी कितने लोग यहाँ पर ये जो चैनल लाइव है ये कितने लोग देख रहा है, 134 वाचिंग। ये था आज तक का लाइव। और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जिसके ज़रिए आप अपने यूट्यूब के ऊपर लाइव देख सकते हैं। और मेरे जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप विंडोज 10 या फिर विंडोज 8.1 यूज़ कर रहे हैं तो आप yaptv का जो ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके ऊपर बहुत अच्छा चैनल है, आप बहुत ही HD क्वालिटी में आप उस चैनल के ऊपर लाइव टीवी देख सकते हैं। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो ये जो दो तरीका है, विंडोज yaptv का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उसके ऊपर देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर भी आप लाइव टीवी देख सकते हैं। तो आपने सीख लिया है कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर लाइव टीवी कैसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब के ऊपर लाइक की बटन ज़रूर दबाइए। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा।
अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।